गुजरात के सीएम विजय रूपाणी लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी होंगे शामिल। लोकभवन में आज योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक, सीएम योगी की अध्यक्षता में की जाएगी बैठक। बैठक में पास होंगे कई अहम प्रस्ताव। पाक जेल में बंद कुलभूषण जाधव से पत्नी और उसकी मां ने की मुलाकात, मौके पर भारतीय अफसर रहे मौजूद। दावोस में होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह शिखर सम्मेलन 23 से 26 जनवरी को होगा। दिल्ली एनसीआर के लोगों को पीएम मोदी ने दिया बड़ा तोहफा, बॉटनिकल गार्डन से कालका जी तक के लिए मैजेंटा लाइन की मेट्रो का उद्घाटन। मैजेंटा लाइन मेट्रो का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने मेट्रो का सफर भी किया। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे और राज्यपाल राम नाईक मौजूद थे। सीएम योगी ने नोएडा के एक निजी विश्वविद्यालय में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को गुजरात और हिमाचल में ऐतिहासिक जीत पर मेरे और प्रदेशवासियों की ओर से बधाई। आज मुंबई में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का ग्रैंड रिसेप्शन होगा, जिसमें खेल, बिजनेस, फिल्म और राजनीति जगत की तमाम बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में बिल्डर एसपी सिंह हत्या मामले में आरोपी के नाम पर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। रामपुर के थाना शाहबाद क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ने जा रही एक नाबालिग के साथ रेप की घटना सामने आई। ट्यूशन के लिए जा रही नाबालिग छात्रा को दो अज्ञात दरिंदों ने अगवा कर गैंगरेप किया। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश को गोली लगी, दूसरा मौके का फायदा उठाकर फरार हुआ। मेरठ में मनचलों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एसपी सिटी मानसिंह चौहान ने भारी फोर्स के साथ मनचले टाइप के लोगों को रोककर उनकी चेकिंग की। मेरठ मेडिकल कॉलेज में महापाप की खबर दिखाने के बाद सीएम ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने डीएम और सीएमओ को जमकर फटकार लगाई। यहां पर एम्बुलेंस में दारू के गत्ते ढुलवाए गए थे। रामपुर के नवाबनगर में एक चाचा ने जमीन के लालच में अपनी ही भतीजी की हत्या कर दी और शव को गन्ने के खेत में दबा दिया। लखीमपुर खीरी के पलिया इलाके में खाना बनाते समय आग लग गई। आग ने कई झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया।